हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप की। तो देखिए, फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की, क्योंकि अभी तक जो जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं उसमें क्या था कि उसमें जो भी प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन थे, यानी कि जो भी फंक्शन हम लोगों ने बनाए थे, वो सारे फंक्शन जो है मेन प्रोग्राम में मेन फंक्शन के पहले ही हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट अभी तक जो हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, तो द प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन हैज ऑलवेज प्रिसीडेड मेन फंक्शन। ठीक है, तो हमेशा जो प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है उसको हमने मेन के पहले ही डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि व्हेन दीज प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड, जब इन प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, तो द प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन विल हैव बीन डिफाइंड बिफोर द फर्स्ट फंक्शन एक्सेस। तो जब इन फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है उनको जब जब उन फंक्शंस को पहली बार कॉल किया जाता है उसके पहले ही डिफाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, उस अच्छा कुछ प्रोग्रामर क्या करते हैं, हाउएवर मेनी प्रोग्रामर्स प्रिफर्ड ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच मेन अपीयर्स अहेड ऑफ द प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन। अभी जैसे हमने F1 फंक्शन बनाया, इसके आर्गुमेंट हो गए इंटीजर ए इंटीजर बी, और इसके बाद हम लोगों ने ये मेन फंक्शन बनाया और इसमें F1 को यहाँ कहीं कॉल किया है। ठीक, तो जब कॉल करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल F1 में जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो F1 में होगी, और जो रिजल्ट आएगा लास्ट स्टेप में F1 के, वो वापस लौट जाएगा मेन में जहाँ से F1 को कॉल किया गया था। ठीक है, तो इसमें तो सही रहता है कि F1 को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, तो इसमें कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। जैसे ही हम F1 को कॉल करते हैं, चूंकि F1 ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए क्या होता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल F1 पे चला जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रोग्रामर क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले मेन फंक्शन डिफाइन किया जाता है, उसके बाद जो है जितने भी प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है वो डिफाइन किए जाते हैं। अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये कुछ स्टेटमेंट जो है वो दे दिए, यहाँ पे हमने F1 कॉल किया। ठीक है, F1 फंक्शन को कॉल किया और ये मेन की बॉडी बंद हो गई। फिर F1 को हम मेन के बाद डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डिफाइन किया था कि साहब इंटीजर ए इंटीजर बी, और स्टेटमेंट में मान लीजिए कुछ भी हमने कहा ए प्लस बी कैलकुलेट करना है या ए की पावर बी करना है, ए इंटू बी करना, वॉट एवर द ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म, दैट विल बी परफॉर्म विद इन F1 एंड द रिजल्ट विल सेंड बैक टू द पॉइंट इन द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर F1 वॉज कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए इस तरह के डेफिनेट डिफाइन करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये प्रोग्राम कंट्रोल F1 पे आएगा, तो यहाँ पे अभी कंपाइलर को पता नहीं कि F1 क्या है, क्योंकि उसके पहले आपने F1 को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलर जो है एक तरह से कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है। ठीक है, एट दिस सिचुएशन दिस फंक्शन एक्सेस इन सच सिचुएशन द फंक्शन एक्सेस विद इन मेन विल प्रिसीड द फंक्शन डेफिनेशन। दिस कैन बी कंफ्यूजिंग टू द कंपाइलर अनलेस द कंपाइलर इज फर्स्ट अलर्टेड टू द फैक्ट दैट द फंक्शन बींग एक्सेस विल बी डिफाइंड लेटर इन द प्रोग्राम। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको F1 की मीनिंग नहीं मालूम है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको कंपाइलर को पहले एक कोई अलर्ट करना होगा कि F1 की मीनिंग आगे प्रोग्राम में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है टॉप डाउन अप्रोच में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप पे। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का
प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, और किसी भी फंक्शन के प्रोटोटाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट फंक्शन प्रोटोटाइप। अब देखिए इसमें क्या होता है कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर यूजुअली रिटेन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम अहेड ऑफ एनी प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन इंक्लूडिंग मेन। तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो हमेशा फंक्शन के शुरू, प्रोग्राम के शुरू में लिखा जाता है, इवन मेन फंक्शन के शुरू होने से पहले हम फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं हम, ये सबसे पहले हमने लिखा डाटा टाइप। यहाँ पे वो डाटा टाइप होगा जो, उस तरह का डाटा टाइप हम यहाँ लिखेंगे जिस तरह की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो ये डाटा टाइप हो गया। नेम, फंक्शन का नेम यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर आपका टाइप वन आर्गुमेंट वन हो गया, टाइप टू आर्गुमेंट टू हो गया, और ऐसे ही टाइप एन आर्गुमेंट एन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये डाटा टाइप में, इसमें मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि उस डाटा का हम टाइप लिखेंगे जो डाटा वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है फंक्शन से, रिजल्ट आ रहा है, तो हम यहाँ फ्लोट लिखेंगे। इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर लिखेंगे। जिस तरह की भी डाटा वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस तरह का हम डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद नेम, तो नेम आपके ऊपर है, फंक्शन का कुछ भी लिख दीजिए। और फंक्शन को जो वैल्यूज हम पास करते हैं वो कहलाते हैं उसके आर्गुमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अगर हम ए मान लें तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए डाटा टाइप। अब सपोज कीजिए अगर हम एल और बी इंटीजर रख रहे हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगल की हम इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो इंटीजर को इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो अभी हम डाटा टाइप यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अभी हमने फंक्शन का नाम रख दिया एरिया रेक्ट, और इसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें पास करनी है, तो हमने लिख दिया इंटीजर लेंथ इंटीजर ब्रेथ, ये हो गया। अब यहाँ पे एरिया रेक्ट के पहले जो डाटा टाइप हमको, चूंकि एल और बी दोनों इंटीजर हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे, और चूंकि बड़ी वैल्यू आ सकती है तो हम यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर लिख देते हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू विद इन इंटीजर लिमिट आएगी तो इसको इंटीजर लिख दिया। अब मान लीजिए दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ ए सर्किल में आपको मालूम फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो अगर आर हम इंटीजर भी देंगे इसमें तो भी क्या होगा कि एरिया की वैल्यू डेसिमल वाली आएगी, मतलब फ्लोट आएगी। तो इसलिए हम जो डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वो हम लिखते हैं फ्लोट। फिर ये फंक्शन का नाम हो गया एरिया सर्किल, और फिर इसके अंदर चूंकि एक ही वैल्यू रेडियस ही पास करनी है तो हमने लिख दिया इंटीजर आर। बस, तो इस तरह से फंक्शन के प्रोटोटाइप को आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो फंक्शन की, फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है, उससे रिजेम्बल करता है। यू कैन से ए फंक्शन प्रोटोटाइप रिजेम्बल्स द फर्स्ट लाइन ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब
इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हमको किसी भी गिवन नंबर का या जो नंबर हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं उसका हमको फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। तो हमने मान लीजिए लिखा कि एग्जांपल वन, ठीक है, और इसमें लिखा टू। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है, वो जो फंक्शन को आप वैल्यू पास कर रहे हैं दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक। अब मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, मान लीजिए जैसे हम 5 एंटर कर रहे हैं तो हमें 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 से लेकर 1 तक ये जाएगा और जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, फिर मान लीजिए कमेंट लाइन लिखते हैं। कमेंट लाइन तो खैर समझाने के लिए होती है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है। तो ये कमेंट लाइन हमने लिख दिया, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो लॉन्ग इंटीजर टाइप है, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉन्ग इन, फंक्शन का नाम लिख दिया हमने फैक्टोरियल और इंटीजर n। कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n, अभी हमने फंक्शन की बॉडी शुरू की, यहां पे इंटीजर कोई लिया i और एक और लॉन्ग इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया लॉन्ग इंट और प्रोडक्शन PROD इक्वल टू 1। तो इस वेरिएबल prod1 को हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, लूप चलाते हैं फॉर का, फॉर i इक्वल टू 2, फिर i इज लेस देन इक्वल टू n और प्लस प्लस आई। तो प्रॉड को लिख दिया हमने, प्रॉड इज इक्वल टू प्रॉड इनटू आई। अब इसमें क्या होगा कि आई बराबर 1 से शुरू हुआ तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मान लीजिए अगर 5 एलिमेंट से 5 हमने एंटर इनपुट किया, 5 उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो इसी स्टेटमेंट को जो हमने प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इनटू आई लिखा है, इसको बिट वाइज ऑपरेटर अगर हम यूज करके लिखेंगे तो इस स्टेटमेंट को हम
इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉड एस्ट्रिस इक्वल टू आई, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने उसको कमेंट लाइन में लिख के आपको केवल समझाया है कि चाहे आप इस तरह लिखिए प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इन टू आई, या उस तरह सिंगल बिट ऑपरेटर के रूप में लिख दीजिए, कैसे भी आप लिखेंगे दोनों सही है। अब इसमें क्या होगा कि ये 1 × 2 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब ये हो गया आपका 5 × 4 = 20 + 60 = 120। तो ये 120 जो वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट हो जाएगी, इसको हम रिटर्न कर देंगे, और प्रॉड को ये हमने रिटर्न किया, तो जो प्रॉड की वैल्यू 120 है वो मेन प्रोग्राम में उस वैल्यू के पास जाएगी जहाँ पे ये खाली हुआ था। अब हमने लिखा मान लीजिए मेन इंटीजर ले लिया, इंटीजर एन, अब हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, या एंटर एनी गिवन नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ एन कोट्स क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्कैन एफ किया और एन की वैल्यू एंटर करा दी। अब हम क्या करेंगे, अब देखना पड़ेगा ना, एन जो है 1 से बड़ा हो, तो अभी हम यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे। अच्छा फंक्शन तो हम बना चुके हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एन के लिए जो हमने फंक्शन बनाया था पीछे कौन सा था, F1, ठीक है, जो अभी फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हमने करने का हमने फंक्शन बनाया था उसको हम कॉल कर लेंगे। तो उसको आप जब कॉल करेंगे तो अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट वगैरह यहीं प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर टाइप का, क्योंकि जो कैलकुलेट होके वैल्यू आ रही है वो लॉन्ग इंटीजर टाइप ही है। तो हमने ये लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया एक्स। अब आप एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया फैक्टोरियल एन, ठीक है। अब एन के लिए एन की वैल्यू जाएगी जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसमें फैक्टोरियल के नाम से। तो मान लीजिए एन हमने 5 एंटर किया, तो वहां पे 5 एंटर होगा, फिर वहां स्टेटमेंट देखिए इफ एन इज ग्रेटर देन 1, तो हम देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 1, तो फिर लूप चलेगा फॉर का 2 से लेकर 5 तक के लिए। तो 2 × 3 × 4 × 5 जो है इस तरह आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू और कोट्स क्लोज्ड कॉमा एक्स लिख देंगे, लॉन्ग इंटीजर टाइप और यहाँ लिख देंगे एक्स। तो इस तरह से प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करके आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे इसमें तो हमने फंक्शन को पहले डिफाइन कर दिया है, बाद में मेन लिया है। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में अभी हम एक दो एग्जांपल से और समझाएंगे कि फंक्शन को हम बाद में भी डिफाइन करके कैसे सेम प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।